मन की भेंट करे तो स्वीकारू, कोई पूंजी देवे तो स्वीकारू। एक बात सुन ले, अब तू मारे रे थारे लेन देन बीच में है को। और नरसिंह जी केवन लागा, पूंजी को फिर चंदन है रे, तुलसी सोने रे हार रे, पूंजी को फिर चंदन है रे, तुलसी सोने रे हार रे। सोच रियो है कि गणी सेवा पूजा करूं तो तू सुने, तो नरसिंह जी कहो मारी पूंजी तू, मारो सब कुछ तू, और सेवा पूजा करनी हो मैं कौन? मामू सेवा पूजा नहीं हुए वो भी थारी ज हाथ में है। और नरसिंह जी हाथ जोड़ केवन लागा रे सावण, कही कहो सेवा पूजा बंदगी सब तुम्हारे हाथ रे, सेवा पूजा बंदगी सब तिहारे हाथ है, हम तो कुछ जानत नहीं तुम जानो ये नाथ रे, हम तो कुछ जानती नहीं तुम जानो ये सावना गिरधारी
मारी बत राखो मीठे दीना नाथ रे सामला गिरदारी। जो ही नरसी जी पुकार करी द्वारिका में संत घूम लिया है, द्वारिकाधीश ने मंदिर वो मूर्ति रे अंदर वो नरसी रे सावण रो रूप धारियो मारे द्वारिकाधीश, पहली पगड़ी बन गया सेठ बजाज, रुपिया री टांगोड़ी गाठड़ी और प्रगट हो गया संतो रे सन्मुख। बोलो सावण सरकार की। प्रस्तुत किन्ने ढूंढ रिया हो, सुबेरी शाम होना ही है भगता, कोई सावण सेठ है जावा जटे कोई पिछाने कोनी, पर नरसी तो साचो है, वो झूठी हुंडी लिखे कोनी, माने विश्वास है। बस मोरेज कठी गलती हो रही है ढूंढने में, सावण सेठ ने ढूंढ रियो के मेज तो हाँ मेजा, अरे आप ही जो के हाँ लाओ लाओ पानो दियो, जितनी रकम लिखोड़ी कमर से काटी गांठड़ी और पकड़ाई दी। आलो तीरथ करो व्रत करो आनंद लो, पाचा जाओ जाए नरसी जी ने समाचार दे दीजो के पाको समाचार पाको। और वर्णन आवे जब कोई चोखा काम करे नी, राजी ओणिया थोड़ा होवे बलनिया घड़ा होवे कि नहीं होवे, राजी ओणिया इत्ता ऋषि बलनिया इत्ता। नरसी जी ने आज कहानी है, नरसी जी मु राजी रेवणिया तो थोड़ा पर बलनिया घना। जूनागढ़ रो राजा हो नीमियो निमलिक राजा, गौरे लोको जारू रख कौन भर दिया, अरे राजा तो वैसे कौनो रखाचा हुए भाई होए कि नहीं होए, कान भर दिया के थोने ठाए नरसी एड़ो भंडारो करियो एड़ो भंडारो करियो एड़ो भंडारो करियो। अच्छा खुद ने भगत केम तो फिरे, अच्छा हाँ के कड़े कड़े ले ले वा लपेटे में चिंता मत कर, अरे वो ढोंगी है ये ढोंगी होई तो मने हेंगो ने देखना आवे राजा जी के, कान भर दिया। अब राजा ताक में के मौको मिले की कर। और वर्णन आवे एक बार नरसिंह जी रहे खूब संतोरो भक्तोरो आगमन होयो, और एज को तीर्थ करण गया नी आ मंडली भी वापस आ गई। अब नरसिंह जी जीमाए बिना प्रसाद करिया बिना कीकर भेजे, और पचे प्रसाद हो तो नहीं तो ऋषि बलनिया पहली जीमण जाऊंता, जीमण पहली जाऊंता जी में खात आई में खाडो करता दुनिया रीत है। और हैंग भेला क्या नरसी भंडारो कर रहे तो वो पूरा उठे जी मोहि रिठा पटक कटु लावे लाई थे। नरसी जी रो सिद्धांत पक्को, आज पास में कुछ भी नहीं बटू भी संत पधारे अटू भी पधारे गौ घेर भेलो जिमावना तो है। पहुंच गया सेठारी दुकान और परमात्मा री देवड़ी राग केदार दे दी आडोने और रुपया लायो साठ। भाई हाडी 500 वर्ष पहली 60 रुपया री तो बहुत कीमत थी, न्या तो जाऊंगी 60 रुपया लायो रे एडो भंडारो करियो एडो भंडारो करियो। राजा भी ना कर सके, राजा भी सोचे के करो के नहीं करो, पर नरसी कर दी। आ बात पहुंच गई राजा रे कान में के थे वो तो कहवे के मैं 21 पीढ़ी खावे जी तो धन लुटाई दियो, ओ तो टूनागारो है ओ जादूगारो है ओ चलते लोगों रे ऊपर भुरकी नौकेर लूटे ठग है ठग। महाराज आप ये ने पहुंचो नहीं तो तो थोरो राज भी लूट ले ला। राजा ने कुर्सी री बहुत चिंता, कुर्सी बहुत दोरी झूठे कुर्सी रही जहेंग रगड़ा। और वर्णन आवे आज राजा सोच लियो के नरसी ने छोड़ो कोई नहीं, भंडारो भी जो निपटियो
और वर्णन आवे के नरसिंह ने संदेश भेजियो के भाई राजा जी बुलाई रिया है। नरसिंह जी के भाई कौन राजा? भाई नरसिंह की नजर में तो एक ही बात साहेर वो सावल सेठ है कि मैं राजाओं बीजो रखो आओ नहीं राजाओं ने आवनो तो स्वागत है मुझे। राजा आवे तो वो रो स्वागत है। हे राजा बाजा केरे को जाऊं संदेशो दियो जब नहीं आए तो राजा रे और पारो चढ़ गयो। और अठे वर्णन आवे लोगों राजा ने चढ़ाई दियो कि वो नरसी केवे कि जब नरसी राग केदार गावे तो ठाकुर गड़ा रो हार पेरा। और एडी खोटा चमत्कारी बात तो फैलावे मरा कि अच्छा हार पेरावे। अब गांव वालों ने ध्यान नहीं क्यों भंडारो की कर हुए हो नरसी राग केदार अडानी धरिया 60 रुपया में। और जब तक 60 रुपया नहीं होवेला नरसी कोई रे आगे जाए पाछी देवड़ी चीज मांगे नहीं वो तो कर्जो चुकाई जलावेला। और जब तक कर्जो चुकाए चीज नहीं लावेला तब तक वो राग केदार नहीं गावेला। और जब तक राग केदार नहीं गावेला तब तक सावण हार को नहीं पेरावेला। तो वो ठग के लावेला और राजा भी ने सजा देवेला। आज चाल कामयाब हो रही है पर वे भूल गया कि जिन्हें राम राखे बिने कुण चाखे। भाई जिन्हें राम राखे उन्हें कुण चाखे। और वर्णन आवे कि जब नरसिंह जी राजा मु मिलिया और राजा कहो के भाई नरसिंह केदार गांव और हार पेरार बता वचनों में बांधोड़ो कि मैं मोर भगवान ने तकलीफ को नहीं देवा। हार पेराणो तो पेरावे नहीं पेराणो तो नहीं पेरावे ना तो मैं हार गावा और ना ही मोर भगवान ने तकलीफ देवा। एक भजन रे माध्यम से यह केवे नहीं के नरसी रो हार डो नहीं गावे तो मायरो अधीरो। नरसी पर कृपा करने पहरायो मन हार जीरे नरसी पर कृपा आने भला हो भक्ता पर कृपा करने पहरायो मन हार जी बोलो श्री कृष्ण चंद्र की हरी गुण गाओ जी पहले आप गजानंद सिमरो पीछे हरी गुण गाओ जी अरे पीछे हरी गुण गाओ जी कैसी कृपा नरसी पर की नरसी संत जी माया पत्नी
बहुत किया है तात जी। के तारो करियो माटनो Thank you.
મારી વાત માને કોની બાંધ દિયો રસ્સી મો અર રાજાને સન્મુખ ખડો કર્યો રાજા કહેવે અરે નરસિંહ મારી વાત ક્યું કોની માને અર રાજા કહ્યો જૂનાગઢ રો રાજા કો પિયો પકડ બાંધ ને લાયો અરે પકડ બાંધ ને લાયો જી ભગતા પર કૃપા હરે ભલા ભક્તા પર કૃપા કરને તેરાયો ભગતા પર કૃપા હરે ભલા ભક્તા પર કૃપા કરને તેરાયો શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્રી બાંધ લિયો ઇસકો લેકર ચલો નરસિંહ જી પાછા સિરે ગયા કોની ચાલો ઓર નરસિંહ જી કેવન લાગા નરસિંહ કેવે સુર રાજા તેરે પાસ નહીં આઉં જી અરે તેરે પાસ નહીં આઉં જી કેદાર ગાય બિના સાવરો હાર પહેરાવે પ્યાસ લગી જ્યાદા નાચ્યા શારીરિક શક્તિ ખતમ હોઈ ગાયો તો કંઠ સૂકન લાગો કોઈને દયા આવી સોચ્યો પાણી પણ રાજા કે ખબરદાર ઇને કોઈ પાણી નહીં પીલાવેલા ઓર જો ઇને પાણી પીલાવેલા વો મંદિર સે બહાર જીવતો નહીં જાવે ભગવાન નો જીવ કલ્પ ગયો રે અભિમાની મારે ભક્ત ને સતાવે પદરો બડો અભિમાન હે જો પદ દેવણી જાણે વો પદ લેવણી ભી જાણે જો દેવણી જાણે વો લેવણી ભી જાણે ઓર ભગવાન કઈ એક અદ્ભુત ચમત્કાર કર્યો ઓર ભગવાન ભરી સભા મે રાજારી પત્ની બનકર પ્રગટ હોઈ ગયા રાણી બનકર ભગવાન પ્રગટ હોયા નાચત કુંડત પ્યાસ લગી હે થકી જીભ કી વાણી જી અરે થકી જીભ કી વાણી જી નાચત કુંડત પ્યાસ લગી હે થકી જીભ કી વાણી જી અરે થકી જીભ કી વાણી જી ભગવાન કે થારી જ બહુ રૂપ કરાવ રાણી પણ આયર પાણી પાયો રાજાને ભરી સભા મે રીસ ચડી પાણી પીલાયો રાણી નો પાલ પકડ્યા અબ રાણી તો હોય તો હાથ મે આવે પાણી પ
मैं पानी नहीं पर मर राजा आयो सावल गिरधारी अरे आयो सावल गिरधारी अरे पानी नहीं पर मर राजा आयो सावल गिरधारी अरे आयो सावल गिरधारी तो भगत सतायो अरे भला हो भगता पर कृपा अरे भला हो पे कृपा करने पहनायो भवन हार जय जय चंद्र की राजा करो बड़ी सभा में थारो गलो काट दो सारी नाक काट दो रानी कह रहे राजा जी मैं पानी को नहीं पायो अहंकार में डूबोड़ा राजा भक्त ने सताया परिणाम अच्छो नहीं होला पानी पावन आलिया रानी कोनी वो सावल गिरधारी मारो रूप ले रायो राजा पाछो सभा में पहुंचियो कहीं देखे मंदिर में नरसी नाच रियो है सावल को शुक्र मना रियो है और नाचे कूदे ताल बजावे के तारो नहीं गावे गारो नहीं गावे जी नाचे कूदे ताल मचावे के तारो नहीं गावे जी अरे के तारो नहीं गावे जी के तारो नहीं गावे रे सावरे के तारो नहीं गावे रे सावरे आके हार पहरावे जी नरसी पर केदारो नहीं गावे और केदारो नहीं गावे जब तक सांवरो हार नहीं तेरा वो भी वचनों में बांधोड़ो क्या करे लेकिन आप भक्तरी जो कष्ट हो रही है नाच नाच कूद कूद और भरी सभा में राजा बेइज्जती कर रही है अब भगवान से असहनीय हो गई और देखते ही देखते मंदिर के प्रांगण में भरी भीड़ के बीच एक चमत्कार हो क्या चमत्कार हो बड़ी भीड़ को चमत्कार हो मोर मुकुट नरसी पर मेला उनकी बांधी पाग जी उनकी बांधी पाग जी मोर मुकुट नरसी पर मेला उनकी बांधी पाग जी अरे उनकी बांधी पाग जी पाग के दारो दरियोड़ो हवा में मोर मुकुट नरसी की पाग हवा में मोर मुकुट हवा से उड़ते आए और नरसी के शीश पर पाग धारण कर ली ठाकुर जी पहुंच गया सेठा की दुकान दिया 60 रुपया पर्ची कटाई ली के लाओ भाई अब हो गया आटो साटो लेनी राग केदार मुख हवा में उड़ते उड़ते मानो आयो और नरसी के हाथ में पहुंच गए और नए में लिखियोड़े के 60 रुपए मिल गए और राग मुक्त हो गए
और कहीं जो ही पढ़िया वचनों से मुक्त हो गया नरसी, और एक अद्भुत चमत्कार हो नाचे कूदे ताल बजावे देखे दुनिया सारी जी, अरे देखे दुनिया सारी जी, नाचे कूदे ताल बजावे देखे दुनिया सारी जी, अरे देखे दुनिया सारी जी, नरसिंह जी ने हार पहनावे वर्णन के मूर्ति मुहार उठियो और गले में आयो, पर मन तो एड़ो लागे में आप प्रभाव है, मन लगे सावल सेठ प्रकट होलो और कलरी वेजंती माला उतारी और नरसी रे गले में पेरा दी, मानो राजा ने कह रिया है अभिमानी मूर्ति नहीं, आज मूर्ति से सावल स्वयं आया है तुझे सबक सिखाने और भगत की लाज बचाने, राजा तो उठाओ पड़ियो मैं तो भगत सतायो जी, अरे मैं तो भगत सतायो जी, राजा तो उठाओ पड़ियो मैं तो भगत सतायो जी, अरे मैं तो भगत सतायो जी, तुम्हारे कारण दर्शन दीनो घंटों जावे थे क्या यूं के घंटों खराब हो जावे, ओ घंटों खराब होयो मन तो यूं लागे कि नरसी जी रो हार नहीं गावे तो मारो या दूर हो, और गावड़ मु कहीं होवे देखो राजा पैर पकड़ लिया, अरे अगर भक्त रो विरोध भी करे तो भी कल्याण है, इतना कुछ करियो नहीं पहलाद रो तो भी डर गए, तो सोचो भक्त ने आदर देवे जब तो कितो कल्याण है, बिना कष्ट पार हो जाओ नहीं तो कष्ट सहन करके पार हो, तो कहो राजा के थारे कारण मोरे जड़े अभिमानी ने पापी ने परमात्मा दर्शन दिया, यही संत की परिभाषा है, कोई भी भाव लेकर संत की शरण में जाओ कभी आपका बुरा तो होगा ही नहीं, कैसे भी हो कल्याण ही हो, और नरसी जी रो हारडो सुने सिखे पर गावे जी, हर सुने सिखे जो गावे जी, नरसी जी रो हारडो सुने सिखे पर गावे जी, हर सुने सिखे जो गावे जी, मन इच्छा कारज सर जावे ओ, मन इच्छा कारज सर
जयकार बुलाए पच लाइट जावे जन मन मत के बोलो सावल सरकार की बोलो भक्तर भगवान की जय हो। अटे तो रोटी पानी सुबह 9 बजे मिल जावे पच बोलन में कंजूसी केरी है तो नरसी जीरो हारडो सुने सीखे और गावे मन इच्छा कारज सर जावे बैकुंठ में जावे। हमें किने की पूछनी जरूरत है? कोई काम नहीं होता वे नहीं तो नरसी रो हारियो रोज सुनाई दी जो काम हो जाए। समझ गया? तो वर्णन आवे हुंडी शिकारी और आज भरी सभा में राजा ने चुनौती दी। हाल मारो तो चालू ही कोई नहीं। और मैं पहली कहो भक्त भगवान री चर्चा तो होनी चाहिए सत्संग होनी चाहिए पर उद्देश्य कुछ और है। और उद्देश्य है सकल विश्व में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। एक 10 मिनट की जानकारी पचे आज तो भाई 4 बजे आरती हुई एक घंटो मोड़ो चालू हुए हो कि नहीं हो हैं? हाँ काले हो बराबर 10:30 पधारण री कृपा करो 11 बजे आपने आरती और मायरो शुरू बराबर 3 बजे ठीक है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बताओ आरती कर दूं कि 4 बजे ज करूं? 4-5 बजे ठीक है नहीं नहीं 4 बजे तो अठ वर्णन आवे। देखो मैं आपने पहली भी कहो कि आज जो सत्संग रो आयोजन हुयो है इरो उद्देश्य जय सियाराम समिति प्रांगण में बाप जी महाराज रे सानिध्य में बालाजी महाराज री कृपा सो और सुंदर सत्संग रो आयोजन हुयो है। और ये सत्संग रो प्रमुख उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा संचार करना है। क्योंकि अगर ऊर्जा सकारात्मक नहीं होगी तो नकारात्मक का पलड़ा भारी होगा और इससे विश्व भर में अशांति ही व्याप्त होगी। कहीं भी कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले। कोई भी बात नहीं करें ये छोटी सी बात में शांति से सुनो। और देखो मानव मात्र में चाहना सब में है कुछ ना कुछ सुख सबको चाहिए और ऐसा सुख चाहिए जो खत्म ना हो। लेकिन सुख का तो पर्यायवाची दुख है और इसका साधन कोई करना नहीं चाहता। भीतरी सुख अगर प्राप्त करना है तो उसका साधन सही होना जरूरी है और अगर साधन सही नहीं होगा तो परिणाम भी शून्य ही आएगा। और शून्य को जब तक किसी के साथ जोड़ो नहीं तो उसका कोई भी वजूद नहीं रहता। और आज अगर विश्व भर में अशांति व्याप्त है तो इसका कहीं ना कारण ये है कि सकारात्मक ऊर्जा का अभाव हो रहा है और नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। अब सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने का उपाय क्या है? देखो जय सियाराम समिति में ये प्रयास पिछले 3 दशक यानी 27 सालों से ये प्रयास चल रहा है कि अशांति व्याप्त क्यों है और इसका निराकरण कैसे हो। और 27 सालों में बाप जी महाराज के प्रयास का जो परिणाम है साधना का जो परिणाम है वो आज सबके समक्ष है। देखो हनुमान जी सकारात्मकता का सबसे पहला उदाहरण है। आप देखो राम जी के काज किसने संवारे? जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के रथ पर कौन थे? थे हनुमान जी। आज इस आश्रम के प्रांगण में 7 मुखी 5 मुखी 11 मुखी 1 मुखी 4-4 हनुमान जी की 31.5 फुट की मूर्तियों की स्थापना हो रही है। पूनासर में भी हुई है और भी कई मंदिर है हजारों जहां पर इस समिति के द्वारा बाप जी महाराज के सानिध्य में हजारों मूर्तियां स्थापित की गई है सकारात्मक। और ये सकारात्मक हजारों मूर्तियां और हजारों घरों के सुधार के कारण
हजारों घरों के सुधार के कारण धीरे धीरे जैसे जैसे इस सकारात्मकता का प्रभाव, देखो नकारात्मकता खत्म करनी है तो सकारात्मकता जब बढ़ेगी तो नकारात्मकता अपने आप कम होती जाएगी और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो इसमें आप सबका सहयोग अनुकरणीय है। और गीता में सातवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। ये सारी सृष्टि प्रकृति के अधीन है और सारी सृष्टि का संचालन जब देवता करते हैं तो देवता भी प्रकृति के अधीन है, मंत्रों के अधीन है। और प्रकृति में अगर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो विनाश संभव है। आज आप देखो इतने सत्संग होते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतने यज्ञ होते हैं, इतने धर्म के अनुष्ठान होते हैं, पर इसके परिणाम सही नहीं है, क्योंकि ना तो यज्ञ सही तरीके से हो रहे हैं, ना ही मंदिरों में प्रतिष्ठाएं सही मूर्तियों की हो रही है। और सही कब होगा? देखो कई लोग ऐसे तर्क वितर्क करते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, तो भाव है कहां, भाव कहां है बताओ? यहां तो शर्तें हैं, तू मारो वो काम करे तो हूं थारो वो काम करूं, भगवान मारो छोरो पास होवे तो थारे 11 रुपया रे प्रसाद चढ़ो, और छोरो फेल हो जावे तो 11 री पत्ता गोभी लार खाऊं थारे वो चढ़ो, ये श्रद्धा है। तो देखो श्रद्धा शब्द और स्वरूप जब तीनों सही होते हैं तभी सकारात्मकता निकलती है, सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। अब देखो मैं आपको एक सरल तरीके से समझाती हूँ। एक मोबाइल है, मोबाइल देखो हमको देश विदेश कहीं भी बात करा देगा, यहाँ बैठे आप एक फटाफट नंबर डायल करो। हम सुनते थे ना कि कर्मा जब बुलाती तो मूर्ति से भाग आता और खिचड़ खा लेता। अब क्यों नहीं आता मूर्तियों से? क्योंकि ना तो कर्मा की श्रद्धा है, ना मीरा की श्रद्धा है, और ना ही सही मूर्तियां हैं जो पावर मिले। स्वरूप शब्द और श्रद्धा तीनों होंगे, तीनों का समावेश होगा तभी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अब मोबाइल में एक बैटरी होती है, अगर वो बैटरी खराब हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए तो क्या मोबाइल का वो मॉडल कुछ काम का रहेगा, बात करवाएगा आपकी? नहीं करवाएगा। और अगर वो डब्बा खराब हो जाए तो भी बात नहीं करवाएगा। और अगर वो सिम टूट जाए, क्रैक हो जाए, खराब हो जाए तो, आउट ऑफ सर्विस हो जाए तो नहीं करवाएगी। सिम है श्रद्धा, शब्द है सिम, बैटरी है श्रद्धा, और वो जो एक साधारण तरीका बता रही है, और वो जो मोबाइल का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वही है, वो मूर्ति है। ये तीनों चीजें सही होगी तब कहीं जाके परिणाम सही आएंगे। अब हम बोलते तो सीधा है पर चलते उल्टा है। मूर्तियों का स्वरूप सही होना जरूरी है तभी उसमें श्रद्धा जगेगी। और शब्द, अब कई जगह ऐसा है कि हम जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र पढ़ते हैं, देवी भागवत में वो बिल्कुल सही है, लेकिन सप्तशती में गलत छप गया तो लोग उसके ही पाठ किए जा रहे हैं। जब आपको अर्थ पता नहीं होगा तो परिणाम कैसे अच्छा आएगा? राम रक्षा स्तोत्र में कुछ गलतियां हो गई तो उसी गलत, अब बीच में मैंने राम भद्राचार्य जी महाराज को सुना था, क्योंकि लोग बाग जब तर्क वितर्क करते हैं ना तो कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो नारियों ने मोर्चा निकाल लिया कि तुलसी बाबा ने हमारे लिए लिख दिया कि नारी तो मारने लायक होती है, पीटने लायक। तब राम भद्राचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही, मैंने सुनी कि वहां गलती से छप गया श्लोक, चौपाई क्या थी, ढोल गवार शूद्र पशु रारी, रारी भी रारी, नारी नहीं रारी, और हम नारी नारी करते जा रहे, क्योंकि शब्दों की सही अर्थ तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता है, और फिर तर्क वितर्क और झगड़े करने को तैयार है। तो गलती तो बाबा ने थोड़ी की है, गलती तो छापने वाले से हुई है, हम पढ़ते जा रहे।
ऐसे ही राम सेवकसा स्तोत्र में गलती, ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में गलती, गायत्री मंत्र के लिखित और उच्चारण में गलती, सारे प्रमाण है। ये कोई ऐसे थोड़ी बोल सकते, कल हजारों लोग सामने खड़े हो जाएंगे कि भाई आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। कोई भी मन में संशय जागे, आकर निराकरण कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि सबका कर्तव्य बनता है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा भला हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कबहू न व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा परीक्षित राज्य में कबहू न व्यापा। तो भाई अब क्यों व्यापा, कहां गलती हो रही है? इन तीनों चीजों को सही करना जरूरी है, श्रद्धा शब्द और स्वरूप। ये तीनों सही नहीं होंगे तब तक इसका परिणाम कभी भी सही नहीं आएगा। और बाप जी महाराज पिछले जय सियाराम समिति के तत्वधान में 3 दशकों से इस पर कार्यरत है, 27 सालों पर इस पर अनुसंधान चल रहा है, और कई संतों से इसकी चर्चा भी करते हैं और जूझ रहे हैं, क्योंकि संत का कर्तव्य है जन कल्याण कैसे हो, वो अपने विरोध की कभी परवाह नहीं करते। मेरी आप सबसे विनती है, मूर्तियों का स्वरूप सही होना आवश्यक है। कोई भी देवता की मूर्ति हो, देवी की मूर्ति हो, तो शास्त्रों में प्रमाण दिए हैं कि किस तरह से होनी चाहिए। अभी महाराज के सानिध्य में फूलासर में कई मूर्तियां सही लगी, कांकड़ा में कई मूर्तियां सही लगी, पूनासर में लगी, और भी कई जगह है। ऐसे करके हजारों मूर्तियां अपने प्रयास से सही लगा चुके, लाखों घरों में पूजाएं सही करवा चुके। जो भी मुझसे टीवी के माध्यम से या पंडाल के माध्यम से मेरी बात जिन तक पहुंच रही है, अपने घर का वातावरण ठीक करिए। अरे प्रकृति के जो मूल तत्व हैं उनको समझिए, घर के पितरों को, वास्तु को ठीक रखिए। घर का पितर छोर बार भटकता फिरे, मारो पतन हो जावे। घर के पितर, घर की वास्तु, इन पर ध्यान दीजिए। घर में मूर्तियों के सही स्वरूप पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। मैंने शुरुआत में कहा, रटी रटाई तोतों वाली बात नहीं है, मेरी अनुभव की हुई बात है। जब नकारात्मकता के रास्ते पर थे, गलत मूर्तियों की पूजा करते थे, गलत जगह, गलत मंदिरों में, गलत मूर्तियों में जाते थे, और फिर अचानक से जब सकारात्मकता को अपनाया तो नकारात्मकता का प्रहार हुआ। सही रास्ते पर जाओगे तो एक बार अंधेरा होगा, अंधेरा भी गहरा होगा, ऐसा लगेगा कि इसके बाद कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन जब रास्ता मिलता है तो बड़ा ही खूबसूरत होता है। जहां ना पैसा बीच में आता है, ना ज्ञान बीच में आता है, ना अहंकार बीच में आता है, फिर तो बस जीना आता है, जिंदगी देना आता है और खुशहाली फैलाना आता है। और ये अटैक होंगे आप, लेकिन फिर इसका परिणाम सुंदर होगा। तो आप सबसे मेरी विनती है, मूर्तियों के बारे में वैसे भी 2 दिन और मैं आराम से आपको जानकारी दूंगी। अपनी अपनी समस्याएं लेकर जगह जगह भटकिए मत। आपके पितर अगर तृप्त हैं, आपका वास्तु सही है, और आपके घर में सकारात्मक पूजा है, आपके गांव में अगर एक भी मंदिर सही बन जाता है तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, सकारात्मकता ही फैलेगी। अब आप सोचो, जगह जगह भटकते हो, ऐसे ऐसे लोगों के पास भटकते हो जो हाथ में गांजा लिए बैठे हैं, बीड़ियां फूंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और आप उनसे कहते हो भाई हमारे घर में यहाँ है उपाय बताओ, माने वो उपाय बताओ, माने वो करो, क्या वो आपको भगवान से मिलाएंगे? वो आपके घर का क्या बताएंगे? वो देवी देवताओं का आपको मार्ग बताएंगे जो खुद आसुरी प्रवृत्ति अपनाए हुए? मदिरा पीना आसुरों का काम, भक्ष्य अभक्ष्य खाना असुरों का काम, बीड़ी गांजा पीना असुरों का काम। वो आपको बताएंगे आपके घर की समस्याओं का निवारण? समस्याओं का निवारण आपको खुद करना पड़ेगा। घर की पूजाओं को सही करिए, घर के वास्तु को सही कीजिए, दूसरों के पितर लाकर घर में मत डालिए, अपने पितरों का सही तरीके से आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी माता की, यही पितर होते हैं। खाली वही पितर नहीं होते जो एकाद शरीर में आ गए, माँ की 7 पीढ़ी, बाप की 7 पीढ़ी पितर हैं, उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार कीजिए। जब बाहर के लोगों को घर में डालोगे तो घर के पितर अनादर समझ के घर छोड़ देंगे, फिर विपत्तियां तो आनी ही है। घर की तकलीफों से बचाने का सबसे पहला श्रेय पितरों का ही है। और घर के सारे मूर्तियों को सही कीजिए,
एक आध गांव में सही मंदिर बनाने का प्रयास कीजिए। यह हनुमान जी की विशाल चार मूर्तियां विभिन्न स्वरूप की लग रही है, क्योंकि जब सही मूर्ति होगी तो लोगों में सही श्रद्धा जगेगी, और जब सही शब्दों का मंत्रों का उच्चारण होगा तो ये सारी ऊर्जा अंतरिक्ष के द्वारा फैलती है, और जब अंतरिक्ष के द्वारा ऊर्जा फैलती है तो सारे जन का कल्याण होता है, कोई एक इंसान का कल्याण नहीं होता। और इसी उद्देश्य से ये मायरा भी रखा गया है, और इसी उद्देश्य से इन चारों मूर्तियों की स्थापना 19 तारीख को हो रही है, और विश्व इतिहास में पहली बार चार सकारात्मक मूर्तियां एक ही स्थान पर लग रही है, और उसके साथ 2700 किलो आटे का एक रोड बनेगा, जो विश्व इतिहास में पहला काम है। 2700 क्विंटल यानी 2700 किलो आटे का एक ही रोट बनेगा, और उसका भोग चारों मूर्तियों को अपने हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाएगा, लगाया जाएगा, और जन कल्याण में प्रसादी बांटी जाएगी। आप सब सादर आमंत्रित हैं, हनुमान जी महाराज के भक्त तो विशेष रूप से आमंत्रित हैं, क्योंकि सब आइए, सब इसका आनंद उठाइए, और जो हनुमान जी के भक्त बनते हैं तो सकारात्मक मूर्तियों तक नहीं पहुंच पाए और सकारात्मकता का आनंद नहीं ले पाए तो भक्ति कभी सार्थक नहीं हो सकती। भाई सबका सादर आभार अभिनंदन, और भी आपको कई रूप से ये जानकारी दी जाएगी, और यहाँ मूर्तियां लगी हैं, बाबजी महाराज विराजमान हैं, कोई भी अंदर संशय हो तो फलोदी जय सिया राम आश्रम में स्वागत है, आकर इसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। कोई भी देवता हो, कोई भी देवता के जीवने हाथ में शस्त्र नहीं देना चाहिए, देवी कोई भी हो उसके उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में शस्त्र नहीं देना चाहिए, देवी के बाएं हाथ में उल्टे हाथ में शस्त्र नहीं होना चाहिए, देवता के जीवने में शस्त्र नहीं होना चाहिए। और हनुमान जी के लिए तो साफ लिखा है, वाम हस्ते गदा युक्तम, बाएं हाथ में गदा शोभित है। तुलसी बाबा ने नहीं लिखा, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा सत्य जन तारे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाएं भुजा असुर दल मारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी की मूर्ति है तो गदा बाएं हाथ में ही होनी चाहिए, वाम हस्ते गदा युक्तम, बाएं भुजा असुर दल मारे। अब इससे ज्यादा सरल भाषा क्या समझाई जाए, स्वरूप सही होगा, शब्द सही होगा, श्रद्धा होगी, तभी परिणाम सही आएंगे। और ये काम जय सिया राम के तत्वदान में बाबजी महाराज के द्वारा 27 सालों से प्रयास चल रहा है, और हजारों जगह परिवर्तन हुए और परिणाम भी हुए। तो ज्यादा से ज्यादा घर के फोटो मूर्तियां भी सही कीजिए, घर सही होगा, गली सही होगी तो गांव सही हो जाएगा, शहरों को ठीक होते टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे देश और विश्व में ये सकारात्मकता फैल जाएगी। और जैसी मेरी समझ है मैं जानकारी आपको देती रहूंगी मायरे के माध्यम से, और अगर देवी देवता साथ में बैठे हैं क्या जयकारा लगाते हो, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय गौरी शंकर, जय लक्ष्मी नारायण, अपने अपने मात पिता सतगुरु देव की, मात पिता अंग्रेजी मासी, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, और संस्कृत दादी, सर्व मंगल कार्य सुपत्नी तिष्ठति दक्षिणे सर्व दक्षिणे पत्नी वाम भाग चतुष्टये, हमारे सारे शास्त्र कह रहे हैं सारे मंगल काम में पत्नी पति के जीवने भाग में विराजमान हुए। भाई वाम भाग तो खाली चार जगह, वो भी देवता भोगी नहीं इंसान भोगी है, उसके चार जगह, जो मृत्यु लोक में आए उनके चार जगह भी, ऐसे मंगल काम कौन से, विवाह होता है ना, पानी ग्रहण होते कहते हैं भाई हमें डावे भाग आवरी,
क्योंकि विवाह भोग है तो डावे भाग पत्नी को बिठाया जाता है। कोई स्त्री की गोद भराई होती है तो वो क्या है, बच्चा भी संसार में आएगा तो भोग ही है, तो गोद भराई में पति के बाएं भाग में बिठाया जाता है। कोई राजा का राज्य अभिषेक होता है तो सत्ता क्या है, सत्ता भी भोग है, तो पत्नी को पति के बाएं भाग में बिठाया जाता है। और रात को शयन करते वक्त, ये शास्त्रों की बात है, शयन करते वक्त भी पत्नी पति के वाम भाग होती है क्योंकि ये भोग के रास्ते हैं। लेकिन आपके घर में कोई हवन पूजा पाठ होता है तो पंडित जी पत्नी को कहां बिठाते हैं, जीवन भाग में, क्योंकि सर्व मंगल कार्य सुपत्नी तृष्ठति दक्षिणे, सर्व दक्षिणे पत्नी वाम भाग तृष्ठे। तो देवताओं के कैसे बाएं भाग में बिठाओगे भाई, मूर्तियों में स्थापना सही तरीके से करिए। अरे शास्त्रों के प्रमाण है, ऐसे ही थोड़ी बोल सकते हैं। जागो, किसी की गलती नहीं है, खोज तो होती है ना, हर कोई सब ज्ञानी होंगे तो कैसे चलेगा, कोई तो विज्ञानी भी चाहिए, विज्ञान के बिना नए सूत्र नहीं बनते, विज्ञान के बिना रास्ते नहीं खुलते। पहला हाथ में पंखो हिलाओ था, पचे घूमण वालो आयो, पचे एसी कूलर हैंग आ गया, वैज्ञानिक नहीं होता तो कटुआ होता। शोध जरूरी है, अशांति हो रही है, अरे मारे तो माथो दुख तो जावे, वो गोली ले ली, वो गोली ले ली, आखिर में सीटी स्कैन करोजन था पड़ी, कराना पड़ियो नहीं, खोज करी डॉक्टर ने कि माथे में भूसो हो गई, क्यों दुखे, जन था पड़ी क्या बीमारी,